अगस्ता पर संसद में घमासान, सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया पर साधा निशाना, वेल में उतरे कांग्रेसी सांसद। अगस्ता डील पर पहली बार बोली सोनिया गांधी, कहा दो साल से क्या कर रही थी सरकार, जल्द पूरी करवाए जांच, सच्चाई आएगी सामने। झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी बिक्री पर मांगा जवाब, कहा दो हफ्ते में प्रॉपर्टी बिक्री की स्टेटस रिपोर्ट सौंपो। कमजोर शुरुआत के बाद दूसरे सत्र में खरीदारी से बाजार में बढ़त, निफ्टी 2016 के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद, सेंसेक्स 57 और निफ्टी 17 अंक चढ़कर बंद, टेलीकॉम, तेल, गैस और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। चौथी तिमाही में यस बैंक का मुनाफा बढ़ा, एनआईआई अनुमान से बेहतर, प्रोविजनिंग बढ़ने और खराब एसेट क्वालिटी से शेयर पर दबाव। भारतीय एयरटेल के नतीजे आज, जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक 1.5% घट सकता है भारतीय का मुनाफा, कंपनी का बोर्ड आज कर सकता है बायबैक का ऐलान। डायग्नोस्टिक कंपनी थायरो केयर का आईपीओ खुला, एंकर इन्वेस्टर से मिला अच्छा रिस्पांस, इशू से 480 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सप्लायर्स ने खोला मोर्चा, वेंडर्स एसोसिएशन ने लगाया शोषण का आरोप, पीएमओ को लिखी चिट्ठी, सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भेजा मामला। घटने लगा है एप्पल आईफोन का क्रेज, 13 साल में पहली बार गिरी एप्पल की कमाई, जनवरी से मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 13% गिरा, आईफोन की बिक्री 16% घटी। और सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में 1 मई के बाद नहीं खेले जाएंगे आईपीएल के मैच, सुप्रीम कोर्ट ने रखा बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, एमसीए की अर्जी हुई खारिज।